बिहार के बेगूसराय सीट से सांसद गिरिराज सिंह फिर मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। पीएम आवास पर पीएम मोदी के साथ जो चाय पर चर्चा हुई उसमें गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जो काम मिलेगा वो किया जाएगा। गिरिराज सिंह को ही छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी मिली थी और इसकी शुरुआत छिंदवाड़ा सीट इसकी शुरुआत उन्होंने जामसावली के मंदिर से की थी। बात करते हैं गिरिराज सिंह से। गिरिराज जी केंद्र में फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। अभी उन्हें चाय पर बुलाया गया था, प्रधानमंत्री के साथ चाय पीने के बाद यहां पर पहुंचे हैं अपने आवास। गिरिराज जी, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या निर्देश मिला है आप लोगों को? काम करने के लिए इसके सिवा और क्या निर्देश? नहीं, सब मिलकर काम करेंगे, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक बार फिर से आप शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पिछली सरकार में भी आप कैबिनेट मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय आप संभाल रहे थे। इस बार आपकी प्राथमिकता कैसी होगी, जो नया मंत्रालय मिलेगा उसमें? मंत्रालय न कोई छोटा होता न बड़ा होता, जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती। एक महत्वपूर्ण सवाल, इस बार बिहार से देखा जाए तो सहयोगी दल भी इस बार जीत करके आए हैं। सहयोगी दलों के साथ इस बार सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है। जेडीयू से दो मंत्री हैं और बाकी जीतनराम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, बाकी सारे लोग हैं। कैसे उनसे कोऑर्डिनेशन करके आप लोग आगे चलेंगे? बेहतर तरीके से, जैसे बिहार में चल रहा है। आपका तो लंबा तजुर्बा है बिहार में भी, साथ साथ में चल रहा है हमारा, उसे ही दिल्ली में चलेगा। इधर मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का तांता लगना शुरू हो गया है। 7 देशों के प्रमुख नेता शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान होंगे। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, मॉरिशियस प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार, भूटान के प्रधानमंत्री वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और सेशल्स के उपराष्ट्रपति एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कुछ देर में नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये वो मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान जो आज नजर आएंगे। और देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने की खुशियों के बीच किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, इसीलिए महाकालेश्वर मंदिर की यज्ञशाला में 7 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान संपन्न हुआ है। अनुष्ठान करने वाले महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आकाश गुरु ने बताया कि मोदी जी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनातन को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। उनके अब तक के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास जैसे कार्य हुए और इस पद पर रहकर वो देश की जनता की सेवा उन्होंने की है। और मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि एमपी से बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं तो मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश से लगभग 10 सांसदों को मंत्री बनाया जाना चाहिए। शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने कहा कि कांग्रेस को अपने दल को मजबूत करने के बारे में सोचना चाहिए। प्रदेश में बीजेपी पूरी की पूरी 29 सीट जीत गई है। ऐसा 84 में हुआ था जब कांग्रेस 40 जीती थी। मैं समझता हूँ कि मंत्रिमंडल में अगर 2-3 लोगों को देंगे तो ये मध्यप्रदेश के साथ नाइंसाफी होगी। कम से कम 10 सीट्स मध्यप्रदेश को दी जानी चाहिए जिससे मध्यप्रदेश का जो विकास में केंद्र सरकार से ज़्यादा से ज़्यादा राशि मिल सके और ज्यादा से ज्यादा यहाँ सब काम हो सके। देखिए, कांग्रेस तो निठल्ला हो गई है, कांग्रेस तो निकम्मी हो गई है और भगवान रूपी जनता ने उनको फिर से निकम्मा किया। तो ये सब लोग इस प्रकार की बात कहेंगे, अरे इनको अपने दल को मजबूत करने की बात सोचना चाहिए।
तो वो ये करते नहीं है। और रही बात अगर इनको ऐसा लगता है तो ये सब भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अगर इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और हमारे बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं तो आप आ जाओ भारतीय जनता पार्टी में न्यू ज्वाइनिंग टोली से संपर्क कर लीजिए। और आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से कम दो कैबिनेट मंत्री की मांग की है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 10 सांसद दिए हैं, लिहाजा कम से कम दो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है तो छत्तीसगढ़ से कम दो कैबिनेट मंत्री तो बनाया जाना ही चाहिए। 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुन के गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की निगाह में छत्तीसगढ़ हमेशा दोयम दर्जे पर रहा है। इसके पहले कभी भी उन्होंने स्टेट मिनिस्टर से ज़्यादा ओहदा नहीं दिया है केंद्रीय सरकार में। अब की बात हमारी अपेक्षा थी कि यदि उनको मौका मिला है तो दो कैबिनेट मंत्री दें, हम मांग भी करते हैं। और छत्तीसगढ़ से दो कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहले कांग्रेस अपने नेताओं को सम्मान दिलाए, मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। अरे भाई, आप पहले अपने लोगों को अपनी पार्टी में केंद्र में सम्मान तो दिलवा लीजिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बड़ा सम्मानित है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे विष्णुदेव साय हो या कोई हो। ये प्रधानमंत्री का पूर्णतः विशेषाधिकार है और छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से इसमें प्रचंड बहुमत मिली है, ये बड़ी हमें भी बड़ी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ को कोई खुशखबरी मिलेगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।